तो हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और अमेजिंग वीडियो में। और गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेंटेन के एक ऐसे एलियन के बारे में बात करने वाले हैं जिसको गाइस अपने गुस्से में कंट्रोल ही नहीं है, और उसका नाम है गाइस रैथ। हम लोग गाइस यहां पर रैथ के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में बात करेंगे और क्या कुछ रैथ में है ये हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब गाइस रैथ की स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं एपोप्लेक्सियन। अगर गाइस मैंने गलत बोला तो मैं गाइस आपको स्पेलिंग दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर गाइस पढ़ सकते हो। और गाइस रैथ का जो बॉडी है वो गाइस हमें एक टाइगर के जैसे देखने को मिलता है, पर रैथ में गाइस सिर्फ ये डिफरेंस है कि गाइस रैथ के पास पूंछ नहीं होता है और टाइगर के पास पूंछ होती है। इसके अलावा गाइस उनका जो होम प्लेनेट है वो गाइस एपोप्लेक्सिया में है। और गाइस अगर मैं आपको रैथ के पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करूँ तो गाइस यहाँ पर रैथ के पास इन हैंड स्ट्रेंथ, इन हैंड ड्यूरेबिलिटी, इन हैंड एजिलिटी, इन हैंड रिफ्लेक्स, और इसके अलावा गाइस उसके पास बहुत बड़े बड़े पंजे भी हैं। बड़े बड़े पंजे के साथ गाइस उसके पास एक नुकीला एक नाखून भी आप उससे बोल सकते हो, जिससे गाइस वो किसी भी चीज़ को फाड़ सकता है। जैसे कि गाइस हमें देखने को मिला था कि जो ग्रैंडपा मैक्स का वैन होता है उसे गाइस रैथ चुटकियों में फाड़ देता है। तो गाइस यहाँ पर जो रैथ है वो गाइस बहुत लंबे जंप भी कर सकता है। इसके अलावा गाइस वह शॉक वेव्स भी ला सकता है। इसके अलावा गाइस जो हमारा रैथ है वो किसी भी भारी से भारी चीज़ को उठा सकता है, उसके पास इतना पावर होता है। पर गाइस रैथ का एक वीकनेस भी है कि गाइस वो कभी भी सोचता नहीं है। उसको गाइस हमेशा लगता है कि कोई भी जीत के लिए उसे लड़ना ही होगा, सिर्फ उसको गाइस अपना दिमाग लड़ाना नहीं आता है। तो गाइस यहाँ पर जो रैथ है उसके गाइस हम लोग यही कमजोरी बोल सकते हैं। इसके अलावा गाइस जो हमारा रैथ है उसका गाइस एक अल्टीमेट फॉर्म भी है, जिसको गाइस देखने के बाद मुझे तो लगता है कि रैथ के साथ मजाक किया गया है, क्योंकि गाइस उसका अल्टीमेट फॉर्म पूरा कार्टून जैसा लगता है। अगर हम लोग रैथ के कलर की बात करें तो गाइस वो हमें ऑरेंज एंड ब्लैक टाइप का देखने को मिलता है। रैथ गाइस सच में बहुत पावरफुल एलियन है गाइस बैन का, जो कि हमें बेंटेन एलियन फोर्स में देखने को मिला ही था। रैथ का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, रैथ का गाइस लुक भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपको रैथ पसंद है कि नहीं। पर गाइस रैथ बहुत जल्दी गाइस गुस्सा हो जाता है, वो किसी के ऊपर भी अटैक करने के लिए तैयार होता है, वो किसी चीज़ से भी नहीं डरता है। वो चाहे यूनिवर्स का कोई भी ऐसा एलियन हो पर गाइस रैथ कभी भी नहीं डरता है। रैथ के पास ताकत ही है, तो गाइस उसको थोड़ा सा सोचना ही भी चाहिए। पर गाइस ओवरऑल मुझे रैथ गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ये रैथ अच्छा लगता है। और गाइस अगर आपको इस वीडियो में कोई पार्ट अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको मिलूंगा बहुत जल्द किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।